अरे मम्मी जी क्या हुआ? अरे धूल का एक कण भी मिल जाए ना तो मुझे छींक आ जाती है। लगता है तूने ठीक से सफाई नहीं की होगी। नहीं मम्मी जी, मैंने तो एक एक कोना अच्छे से साफ किया है। अच्छा, आए हाय, इसे सफाई कहते हैं? ये तो गंदा ही पड़ा हुआ है। पर इसे तो मैंने अभी साफ किया था, ये देखिए बिल्कुल साफ है। तुम्हारे मायके में कहते होंगे इसे साफ, हमारे यहाँ तो ये गंदा ही है। खैर छोड़ो, तुम्हें भी क्या ही कहूँ, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं होगा सफाई करना। मम्मी जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और क्या, हर चीज अपने घर से ही तो सीख कर आते हैं ना। अब तुम नहीं सीख पाई तो क्या ही करें भाई, हम तो नहीं रह सकते इस गंदगी में। तो मम्मी जी आप भी बता दीजिए ना, कैसे करूँ सफाई? मेरे लेवल की करो, एक एक चीज ऐसे साफ होनी चाहिए कि छू कर चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। मैं इस घर में कहीं भी जाऊं एकदम साफ होना चाहिए, इतनी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं। ऊपर ऊपर से नहीं, जड़ तक जाकर साफ करो, कुछ समझी? जी मम्मी जी मैं समझ गई, अब से ना मैं बिल्कुल आपकी तरह सफाई करूंगी, बिल्कुल आपके लेवल की। ठीक है चल, अब तू ना अच्छे से साफ कर सक। जी लेके मेरे पीछे पीछे घूम रही है, कभी चश्मे पे कभी तकिए पे और अब रोटी पे कॉलिंग कौन करता है? तो मम्मी जी आपने तो कहा था कि आपको सारी चीजें एकदम साफ सुथरी चाहिए, तो मैं तो बस आपके लेवल की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। अरे मेरी माँ, हर चीज को जबरदस्ती साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पहले से साफ है उसे कितना साफ करेगी। तो मम्मी जी मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो चीजें मैंने एक बार साफ कर दी है उसे बार बार ये कहना कि और अच्छे से साफ कर, ये कहना जरूरी तो नहीं है ना। ये तो वही बात हो गई ना कि आप जबरदस्ती बाल की खाल निकाल रहे हो। और मम्मी जी मैं अपने हिसाब से हर चीज अच्छे से साफ करती हूँ, मैं अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी आप उसमें नुक्स निकालोगे तो ये गलत बात है ना। मैं खुद भी तो ये नहीं चाहती ना कि आपको मेरी साफ सफाई में कमी मिले, उससे आपको कोई दिक्कत हो। सच कहूँ तो मेरे दिमाग में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं आया आपको समझाने के लिए, सिर्फ इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अगर आपको मेरा तरीका गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, आई एम सॉरी, तू सही कह रही थी, तू मुझे खुश करने के लिए कितनी मेहनत करती रहती है और मैं फालतू में ही कमियाँ निकाल रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दे। अरे नहीं मम्मी जी, आप इधर आइए। अच्छा चल, अब रोटी तो खिला दे, भूख लग रही है कब से, या यही खाऊं? हाँ हाँ, मैं बस अभी गई आपके लिए रोटियां साफ करके लाती हूँ। हैं? आप बैठो, मैं लाती हूँ।